मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में निधन। 86 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। थोड़ी देर में नरीमन पॉइंट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। शाम को अंतिम विदाई। रतन टाटा के निधन से पूरा देश गमगीन। पीएम मोदी ने कहा, वो एक दूरदर्शी, दयालु आत्मा और असाधारण इंसान थे। अमित शाह, राजनाथ सिंह और राहुल गांधी ने भी जताया दुख। लाओस के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। आसियान भारत शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट में होंगे शामिल। कहा, हम अपनी एक्ट ईस्ट नीति में एक दशक का जश्न मना रहे हैं। आज सुबह 11:30 नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की बैठक। फारूक अब्दुल्ला बोले, मैं चाहता हूं उमर अब्दुल्ला बने मुख्यमंत्री, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी की बैठक में होगा। हरियाणा में हार पर हरियाणा कांग्रेस का मंथन। 11:00 बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई नेता रहेंगे मौजूद।